हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे अपवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम, राजस्थान की रिवर्स, राजस्थान की नदियाँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा पहले का हल्का सा रिवाइज करते हैं और आज का जो पढ़ेंगे वो देखते हैं, राइट। चलो देखो, हम लोगों ने देखा था कि अपवाह तंत्र को अपन तीन तरह से डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें कि पहला है अरब सागर की तरफ जाने वाली नदियाँ जो कि अरब सागर की तरफ जाती है, दूसरा बंगाल की तरफ, बे ऑफ बंगाल की तरफ जाने वाली नदियाँ, तीसरी वो नदियाँ जो राजस्थान के अंदर बहती हैं। अब हम लोग ये देखते हैं कि देखो इन तीनों नदियों में से हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं अरब सागर की तरफ जाने वाली नदियाँ। अरब सागर की तरफ जाने वाली नदियों में हम लोगों ने देखा था कि कौन कौन से, जैसे लूनी नदी थी, माही नदी थी और भी नदियाँ थी, राइट। तो आज हम लोग देखेंगे कि डिस्कस करेंगे, पहली तो डिस्कस करेंगे अपन लूनी नदी और दूसरी डिस्कस करेंगे अपन माही नदी। तो चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो देखो सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे लूनी नदी। लूनी नदी अपनी अरब सागर की तरफ जाने वाली नदियाँ हैं, नदियों में से एक है पश्चिमी राजस्थान की। देखो एक तो अपन सबसे पहले देख लेते हैं कि देखो ये है अपना अरावली रेंज। अरावली रेंज से देखो इधर की साइड में तो नदियां है ही नहीं, राइट। तो ये अपने पश्चिम की तरफ जो नदियां बहती हैं उनमें सबसे लंबी नदी है लूनी नदी। राइट, ये है अपनी लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पश्चिमी राजस्थान, ठीक है। उसके बाद में देखो ये शुरू कहाँ से होती है और एंड कहाँ पर होता है, किस किस ज़िले से होकर के जाती है वो देखेंगे। उससे पहले इसकी जो टोटल डिस्टेंस है वो कितनी है, इसकी टोटल डिस्टेंस है अपनी देखो 320 किलोमीटर, तो वो है जो राजस्थान में बहती है और 495 वो है जो टोटल है राजस्थान में प्लस गुजरात में, जो भी कच्छ की खाड़ी में गिरने तक की जो डिस्टेंस है वो है 495 किलोमीटर। देखो इसमें अलग अलग डाउट है, कहीं पर डेटा अलग अलग है तो थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। कई जगह पर डेटा है 350 किलोमीटर टोटल इसकी लंबाई कई बुक्स में, लेकिन देखो इसकी कई बुक्स में इसकी जो उसकी जो लंबाई है यहाँ तक नापी है यहाँ से, लेकिन कई जगह जो कच्छ की खाड़ी तक टोटल नापी है वो है 495 किलोमीटर, राइट। तो कन्फ्यूज़न नहीं होना, जो भी हो अपने को मैनेज करना है, ठीक है। अपन ने देखा लॉन्गेस्ट रिवर है, डिस्टेंस देखी, अब देखते हैं शुरू कहाँ से होती है और कहाँ कहाँ होकर के ये जाती है। ये देखो ये है अपना अजमेर, ये अजमेर की नाग पहाड़ियों से स्टार्ट होती है। कहाँ से, ये है अपना नाग पहाड़ियाँ, नाग पहाड़ियों से ये स्टार्ट होती है। और स्टार्ट होने से पहले एक नदी और इसमें आती है, एक तो जब ये स्टार्ट होती है तब तो इसको अपन सागरमती नदी बोलते हैं, राइट। सागरमती देखो अपन एक बार डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ पर सागरमती, और सागरमती जब स्टार्ट होती है उसके बाद में एक दूसरी नदी आती है पुष्कर साइड से, इधर से पुष्कर साइड से एक दूसरी नदी आती है, वो है अपनी सरस्वती नदी। और ये दोनों जब मिलती हैं यहाँ से शुरू हो जाती है अपनी लूनी नदी, वो ये है, यहाँ से ये दोनों मिली, एक सरस्वती मिली, सागरमती नदी मिली। कंफ्यूज नहीं होना, साबरमती नदी अलग है, सागरमती नदी अलग है, सरस्वती अलग है, क्लियर हुआ। अब ये मिलकर के यहाँ पर एक पॉइंट पर मिल जाती है और यहाँ पॉइंट पर मिलने से पहले के बाद में ये फिर यहाँ से ये लूनी नदी स्टार्ट हो जाती है, इसको लूनी नदी बोलना शुरू कर देते हैं, क्लियर हुआ। चलो अब देखते हैं, देखो जैसे ही ये अजमेर से स्टार्ट होती है, अजमेर से के बाद में ये नागौर में चली जाती है, नागौर के बाद में ये अपना इधर जोधपुर आ गया, जोधपुर में चली जाती है, ये अपना नागौर है, नागौर में जाती है, फिर जोधपुर में चली जाती है, अपनी पाली में चली जाती है। टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट में होकर के ये बहती है, 6 जिले को कवर करती है। कौन कौन से जिले हैं वो देखो, सबसे पहले अपन अजमेर, अजमेर से शुरू हो गई नागा की पहाड़ियों से, फिर ये अपना नागौर में गई, जोधपुर में गई,
फिर अपने पाली में गई, अपना फिर इधर बाड़मेर में आ गई, और फिर अपना ये जालौर में आ गई। जालौर में के बाद में ये निकल गई अपनी गुजरात की साइड में। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब हम लोग आगे देखते हैं। छह जिले में होकर के बहती है, अजमेर, नागौर, जोधपुर, पाली, बाड़मेर, जालौर। जालौर में होकर के ये अपनी अपनी गुजरात में होकर के कच्छ की खाड़ी में जा कर के ये मिल जाती है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं इसमें की विशेषता क्या क्या है, इसकी सहायक नदियाँ कौन सी है। विशेषता जानने से पहले इसको क्या क्या और बोलते थे, उसका दूसरे नाम है कांठल की गंगा भी इसको बोलते हैं अपन। सॉरी इस नहीं, ये तो माही के लिए, अपन इसको लवणावती भी बोलते हैं और लवणाद्री भी बोलते हैं। अपन इसको लवणाद्री एक इसका नाम है और एक लवणवती भी नदी है। क्या क्या बोलते हैं अपन उसको? लवणाद्री और दूसरी है लवणवती। क्लियर हो गया? इसको दो अलग अलग नामों से भी जानते हैं। उसके बाद में देखो, ये नदी आकर के यहाँ से चलती है और यहाँ आकर के यह बालोतरा एक जगह है जो इसकी, क्यों इसको लवणवती बोलते हैं, क्यों लवणाद्री बोलते हैं उसका अपन देख लेते हैं। बालोतरा जगह कहाँ पर है? ये बालोतरा जगह बाड़मेर में, वहाँ पर ये आकर के एक्चुअली ये जो जगह है बाड़मेर में बालोतरा वाली, ये इसके बाद ये खारी जगह है। तो खारी जगह होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पर इसका पानी खारा हो जाता है, इसका पानी खारा हो जाता है। और खारा कहाँ तक होता है? जब तक कि ये पूरी अपनी इसमें मिल नहीं जाती तब तक इसका पूरा पानी खारा होता है। इसीलिए इसको एकमात्र ऐसी नदी जिसका आधा पानी मीठा है और आधा पानी एकदम खारा है और आधा पानी एकदम मीठा है। और ये बालोतरा से इधर साइड में ये एकदम खारा है और बालोतरा से पहले इसका पानी मीठा है। क्लियर हुआ? चलो अब अपन देखते हैं इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है। इसकी सहायक नदी कोई भी रिवर है, कोई भी रिवर की देखो सहायक नदी या तो अपनी लेफ्ट साइड से मिलेगी, जैसे ये तो अपनी दाईं साइड से मिल गई मान लो, अगर रिवर इधर से आ रही है यूँ, और या फिर एक मिलेगी लेफ्ट साइड से। तो अपनी लूनी नदी की एकमात्र ऐसी नदी है जोजड़ी नदी, जोजरी नदी जो जोजड़ी भी बोलते हैं, जो कि राइट साइड से मिलती है। बाकी की सारी सहायक नदियाँ इसकी लेफ्ट साइड से मिलती हैं। और कौन कौन सी देखो, एक नागौर की साइड से आती है जोजड़ी नदी, वो यहाँ आकर के इसको पॉइंट मिल जाती है। उसके बाद में एक गुहिया नदी है ये वाली, इसकी सहायक नदी। उसके बाद एक बांडी नदी है जो ये रही, बांडी नदी ये यहाँ करके मिल गई। फिर एक सूकड़ी नदी है, उसका यहाँ पॉइंट बनाया। उसके बाद एक जवाई नदी है, जवाई की ही एक दूसरी टर्बरी सहायक नदी, खारी नदी है, और एक उसकी सांगी नदी है। क्लियर हुआ यहाँ तक? मेरे हिसाब से तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। लॉन्गेस्ट रिवर है पश्चिमी राजस्थान की, डिस्टेंस 320 किलोमीटर है। राजस्थान में 350 किलोमीटर भी कई जगह पर इसका डेटा है। 495 टोटल इसकी लंबाई है जो कि राजस्थान में और गुजरात में बहती है। उसके बाद में सागरमती सरस्वती नदी का जो पॉइंट होता है यहाँ पर आकर के मिलती है। यहाँ से लूनी नदी शुरू हो जाती है, लूनी नदी शुरू होने के बाद छः जिले के अंदर बहती है और ये अपनी नीचे की साइड में बहती है, और बहने के बाद अलग अलग जिले से होकर के जाती है और अपनी बहुत सी सहायक नदियों को साथ में लेकर के मिला देती है। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलो अब हम लोग देखते हैं, ये तो रहा लूनी नदी के बारे में, दूसरी नदी अपनी कौन सी है? माही नदी। चलो अब देखते हैं अपनी दूसरी रिवर माही नदी। माही नदी के बारे में हम लोग देखेंगे। माही नदी देखो अरब सागर की तरफ जाने वाली नदियों में से एक है। अभी हमने डिस्कस करी लूनी नदी, अब माही नदी के बारे में देखते हैं। देखो माही नदी का स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पर, ये सबसे पहले अपन देखते हैं ये तीन स्टेट में होकर के बहती है। कौन कौन से? पहला MP ये वाला, दूसरा राजस्थान और तीसरा गुजरात। शुरू होती है MP से, राजस्थान में एंटर होती है और चली जाती है गुजरात में। कहाँ से शुरू होती है ये? MP के मोरू जिला MP में, वहाँ पर विंध्याचल की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से ये शुरू होती है। और शुरू होने के बाद में ये अपनी राजस्थान में आती है, तो राजस्थान में जहाँ एंटर करती है उस एंड पॉइंट का नाम क्या है? खादूग्राम। खादूग्राम है जहाँ से एंटर करती है। उसके बाद में ये ऊपर की तरफ जाती है, यू टर्न बना करके ये वापस गुजरात में चली जाती है, खंभा की खाड़ी में जा करके मिल जाती है। क्लियर हुआ?
चलो अब अपन देखते हैं ये इसकी जो लंबाई है वो टोटल है 171 किलोमीटर की टोटल लंबाई है और जो राजस्थान के अंदर अंदर बहती है, और अगर ओवरऑल देखें तो इसकी लंबाई है 575 किलोमीटर। क्लियर हुआ? अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपन देखते, देखो जब ये खादुग्राम में एंटर करती है उसके बाद में ये ऊपर की तरफ जाती है, ये अपना ऊपर की तरफ जाती है तो यहाँ पर ये बांसवाड़ा में एक बांध है, डैम है, जिसका नाम है माही बजाज सागर बांध, जो कि बांसवाड़ा में इम्पोर्टेंट है, अक्सर एग्जाम्स में आता है, तो फोकस करना है। कहाँ पर है? बांसवाड़ा में है, और उसके बाद में ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बाद ये बॉर्डर बनाती हुई वापस यू टर्न लेती है और ये निकल जाती है गुजरात की तरफ। ये एकमात्र ऐसी नदी है जो कि कर्क रेखा को दो बार काटती है। ये अपनी बांसवाड़ा में देखो, ये अपनी कर्क रेखा, और ये यहाँ एंड पॉइंट पर काटा, एक यहाँ पॉइंट पर इसने कर्क रेखा ने इसको दो बार काटा, 23.5 बार ये कर्क रेखा अपनी गुजरती है। क्लियर हुआ? अब ये तो रहा अपना अपवाह तंत्र, कहाँ से कहाँ तक जाती है। अब इसकी अपन देख लेते हैं इसको, माही नदी को देखो, कांठल की गंगा भी बोलते हैं, बांगड़ की गंगा बोलते हैं, बांगड़ की गंगा क्योंकि ये बांगड़ क्षेत्र है, बांगड़ क्षेत्र, बांगड़ क्षेत्र, इसीलिए इसको बांगड़ की गंगा भी बोलते हैं, कांठल की गंगा भी बोलते हैं इसको। एक चीज और बोलते हैं, इसको बोलते हैं दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा भी बोलते हैं, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा बोलते हैं। यहाँ पर एक चीज और है, 56 का मैदान, 56 का मैदान देखो अक्सर एग्जाम्स में आ जाता है। 56 का मैदान क्यों है? ये बांसवाड़ा है, ये अपना प्रतापगढ़ है, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में ऐसे 56 गांव है की भूमि है, जमीन है, जिनका के जिनकी की सिंचाई, जिनका के पानी का जो उपयोग है वो माही नदी के थ्रू होता है, इसीलिए इसको 56 का अपन मैदान बोलते हैं। 56 गांवों की जो सिंचाई है वो माही नदी के बेसिन से या माही नदी के पानी से होती है। ठीक है, एक चीज़ और, माही इसका 56 की नदियाँ, 56 का मैदान और 56 की पहाड़ियाँ, 56 की पहाड़ियाँ अलग हैं, कन्फ्यूज नहीं होना। अब इसकी और इसकी सहायक नदी कौन कौन सी? देखो इसकी सहायक नदी है सोम नदी है और एक इसकी जाखम नदी है। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसमें सोम और जाखम और माही नदी जहाँ पर मिलती हैं वहाँ एक ट्राई जंक्शन बनता है, ट्राई जंक्शन जो त्रिवेणी संगम जो बनता है वहाँ पर एक जगह है, उसका ना जगह का नाम है बेणेश्वर धाम। बेणेश्वर धाम क्यों फेमस है? एग्जाम्स में अक्सर आता है, बेणेश्वर धाम में आदिवासियों का कुंभ लगता है इसीलिए फेमस है। बेणेश्वर धाम में हर बार आदिवासियों का कुंभ लगता है इसीलिए बेणेश्वर धाम फेमस है। ये ट्राई जंक्शन पॉइंट है सोम नदी का, जाखम नदी का, माही नदी का। ठीक है, ये रहा। अब इसकी और कौन कौन सी सहायक नदियां हैं वो देख लेते हैं। इसकी और सहायक नदियों में देखो जैसे चाप नदी है, हरण है, अनास है, मोरेन है, भादर है, ये इसकी दूसरी और सहायक नदियां हैं जो छोटी छोटी अलग अलग नदियां यहां से मिलती हैं। तो मेरे हिसाब से ज्यादा क्लियर हो गया होगा। तो आज हम लोगों ने देखा दो नदियां देखी, एक तो अपने लूनी नदी देखी और अपन ने एक देखी माही नदी जो दोनों अरब सागर की तरफ जा रही है। और हाँ एक चीज और है, यहाँ पर ये गुजरात में जाती है, कड़ाना बांध हो रहा है, कड़ाना बांध जो कि गुजरात में है, ये यहाँ पर जैसे ही ये राजस्थान से निकलेगी ये अपना कड़ाना बांध। ठीक है, क्लियर हो गया। माही बजाज सागर बांध, कड़ाना बांध राजस्थान में एंटर हो गई, बांसवाड़ा में गई, डूंगरपुर में गई, वापस बांसवाड़ा में आ गई और फिर वापस से नीचे चली गई। तो ये तो था अपना अपवाह तंत्र में अरब सागर की तरफ जाने वाली नदियों में अपनी लूनी नदी और माही नदी। तो ठीक है, क्लियर हो गया। बाकी देखो डेटा को लेकर के थोड़ा सा कई जगह पर कहीं कुछ दे रखा है, कहीं सहायक नदियों के नाम में कुछ डिफरेंस, जैसे मोरेन का मोरन दे रखा है, कहीं पर कुछ मोरेन दे रखा है, तो अलग अलग जगह पर अलग अलग डेटा दे रखा होता है। तो आपको भी एक बार डेटा को लेकर के सिस्टम कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, कहाँ से निकल रही है, कहाँ होकर के जा रही है, कहाँ पर मिल रही है। आपको जो डेटा है जैसे कि कोई नाम है, नाम को लेकर एक बार आपको विकिपीडिया या कहीं पर भी अपने को आपको खुद को भी एक बार चेक कर लेना है, क्रॉस चेक कर लेना है। डिस्टेंस को लेकर के भी कई जगह पर डेटा अलग अलग होता है, कई बुक्स में डेटा अलग होता है, तो डेटा को लेकर के भी जगह जगह डाउट होते हैं, तो आपको भी अपने एंड से भी क्रॉस चेक करना है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। बाकी अगर कोई आपको डाउट हो, कोई फीडबैक देना हो तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। अगर अच्छा लग रहा है तो आप देखते रहिए, लाइक
कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दूसरे दोस्तों को भी बताइए, उनको भी हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।